जनता जनार्दन न्यूज 24x7 की टीम ने नगर पालिका इटावा के वार्ड कोरबिया टोला नाला पार से सभासद प्रत्याशी अनूप कुमारी के पुत्र आशीष वर्मा से की खास मुलाकात। आशीष जी ने कहा कि यदि वार्ड वासियों ने अवसर दिया तो वार्ड के अंतिम पात्र व्यक्ति तक शासन स्तर से जो भी लाभकारी योजनाएं होंगी वार्ड के अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। वार्ड को विकसित बनाने के लिए जो भी विकास कार्य होंगे उन्हें करने के लिए शत प्रतिशत प्रतिबद्ध रहेंगे। साथ ही आशीष जी समस्त वार्ड के मतदाताओं से मतदान करने की अपील की जिससे वार्ड का चौमुखी विकास हो सके। आगे देखिए संपादक विनय के साथ कैमरामैन सनी की खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज 24x7। जैसा कि आपको अवगत होगा नगर निकाय इलेक्शन का बिल्कुल बच चुका है। आज बात कर लेते हैं इटावा नगर पालिका परिषद की वार्ड नंबर 4 नाला पार में आए हुए आज हमारे बीच उपस्थित है आशीष वर्मा जी जिनकी माता जी अनूप कुमारी जो यहाँ से वार्ड नंबर 4 से सभासद पद हेतु प्रत्याशी मतलब आशीष जी आपसे मिलने का प्रयास करेंगे। वार्ड नंबर 4 से जो आपकी माता जी ने दावेदारी पेश की इसके पीछे क्या वजह है? आपके वार्ड नंबर 4 में क्या मुख्य समस्याएं हैं जो आप बात कर रहे हो? लोगों ने आपको सपोर्ट किया क्या पड़े हुए? काफ़ी समस्याएं हैं भाई, लगते हैं नालियाँ हैं आपके अकॉर्डिंग जो भी हैं सभासद बंदे बाधे करते हैं काम नहीं करते। आपके जैसा कि आपको अवगत होगा कि 2014 से पीएम साहब ने एक संकल्प चलाया था स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया था, क्या आपके वार्ड नंबर 4 कुरबे टोला नाला पार में सही से नहीं चलाया गया? नहीं, यहाँ पे ज़्यादातर आपको गंदगी मिलेगी, नालियाँ मिलेंगी, कट्टे हैं वही भरे जाते हैं, कूड़ा पड़ा रहता है वो जाने नहीं आता है। तो ऑफिसर वालों ने देख लो वार्ड हमारा काफ़ी बड़ा है ना, तो ज़्यादातर समस्या ही है, आपको प्रॉब्लम है। आपके वार्ड नंबर 4 के जितने भी मतदाता हैं जैसा कि आप आज डाटा बता रहे थे 11,000 के अप्रोक्स मतदाता आपके हैं, आपकी जो माता जी अनूप कुमारी जी यदि उन्हें अवसर मिलता है वासीपुर में तो किन किन विकास कार्यों से अपने वार्ड का विकास करेंगे? जो समस्याएं हैं पब्लिक की, नाले की सफाई, रोड का, सारी उनकी समस्या दूर करने का, पानी का, लाइट का, सब समस्या दूर करने का पूरा प्रयास है। इसके अलावा जो वार्ड नंबर 4 के जितने भी आपके मतदाता हैं उन्हें कुछ वैसे ही अपील करना चाहेंगे? आपके बहुत रहा है, आप उसी को वोटिंग करें जो आपको अच्छा लगे, सकता है आपके लिए काम कर सकता है, आप उसको मतदाताओं के लिए अपील वोटिंग करें जो आपको आप देख रहे थे हमारे साथ उपस्थित थे आशीष वर्मा जिनकी जो माता जी हैं रूप कुमारी वार्ड नंबर 4 से सभासद प्रत्याशी हैं। उन्होंने बड़े स्पेस कॉलर बताया कि आम जनमानस बाढ़ की जो समस्याएं होती है साफ सफाई को लेकर जो भी समस्याएं रहती है गली नाली गड़ंजा जो भी आपने वीडियो में सुन रखा होगा यदि उन्हें अवसर मिलता है तो उन्हें सर्वप्रथम कराने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ जो 11 मई को मतदान आना उसके लिए ये भी कह रहे थे आपने वीडियो में जैसा कि देखा होगा कि मतदान ऐसे ऐसे चयन प्रत्याशी का चयन करें।